हैप्पी बर्थडे टू गगनू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बबलू, हैप्पी बर्थडे टू यारूंगा रूंगा डर मत करो ये लो बबलू भैया थैंक यू मेरे तेरी चांद के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी दुआ से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बागे मेरा मैं तेरा परिंदा। ऐसी रोज पार्टी होती रहे मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्या बताऊं, इतनी खुशी हो रही है क्या बताऊं, ऐसी रोज पार्टी होती रहे। थैंक यू। मिला आपको नाना, आपको क्या मिला? क्या मिला है आपको? क्या मिला है मतलब? केक, चॉकलेट, जूस। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? केक अच्छा लगता है आपको? वेरी गुड। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज का इवेंट इज पार्टी और मेरे साथ एक नई होस्ट है हिना। हिना विल टेल यू कि आज का इवेंट क्या है। हिना बताओ आज क्या है? हैप्पी बर्थडे बबलू भैया, आज इतना लगा अच्छा कि ऐसी पार्टी रोज होती रहे। आज दोस्तों मेरे को क्षेत्र मोहन दास जी फ्रॉम कटक उड़ीसा, उन्होंने मुझे फोन करा क्योंकि आज उनके भतीजे का बर्थडे है। भतीजे का नाम इज बबलू और बबलू आज 19 साल के हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर बबलू को विश करो। बबलू दिस इज अ सरप्राइज पार्टी फॉर यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज हमारा क्या अरेंजमेंट है आई एम गोइंग टू टेल यू, यू स्टे ट्यून्ड। आज हमारे पास दोस्तों, लेट मी ब्रिंग द शो यू दिस ऑन कैमरा, ये हमारा दोस्तों अरेंजमेंट है। द अरेंजमेंट इज फॉर अराउंड 120 प्लस पीपल। इसमें बच्चों के लिए दोस्तों ये करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6 करीब 6 आइटम्स हैं और 120 लोगों का अरेंजमेंट है। एंड टुडे वी आर आल्सो गोइंग टू शो यू दैट देयर इज वन एम्पावरमेंट कैंपेन हैपनिंग टुडे। आज हम एक 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 सज्जन पुरुष को जिनको हमने ये ट्रॉली दी थी, दिस रिक्शा दिया था, ये आज इन्होंने एक कप का मटेरियल लेकर हम आए हैं, तो हम इनसे ही बात करेंगे। मैं चाहता हूँ यू स्टे ट्यून्ड बिकॉज आज का इवेंट इज गोइंग टू बी मच ऑफ द इवेंट इज गोइंग टू बी हेल्ड बाय द किड्स हियर। तो यू स्टे ट्यून्ड इफ यू आर समबडी हु हैज बीन फॉलोइंग अस एंड वॉचिंग अवर वीडियोज। ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन का चैनल है दोस्तों। हिंदू सम्मान फाउंडेशन इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू भारत आते हैं या भारत आने की चाह रखते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। यहाँ पर देश में उनके लिए एडवोकेसी करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, उनको रिहैबिलिटेशन में हेल्प करते हैं। एंड वी आर ए नॉन पॉलिटिकल एंटिटी। आप किसी भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन से बिलोंग करते हो, आप खुद को हिंदू समझते हो या हिंदू मानते हो, तो आप HSF का पार्ट हो और HSF आपका संगठन है। और फॉर अस हिंदूज का मतलब है सिख, जैन, बुद्धिस्ट और सारे हिंदू। हम हिंदुओं में जात पात ना मानते हैं ना आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टे ट्यून दोस्तों, वी हैव गॉट केक ऑल्सो। और बबलू आपके बिहाफ पर हम ये केक कट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू बबलू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बबलू, हैप्पी बर्थडे टू यारूंगा डर मत करो ये लो हैप्पी बर्थडे टू यू बबलू। और हम सबको खिलाएंगे ये लो। और ये भी हम थोड़ा सा और केक काटते हैं। बड़ा कौन खाएगा? ये कौन खाएगा? ये लो, तेरे को खिला तो दिया मैंने। दोस्तों ये जो हम पार्टियां करते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं खिलाता हूँ आप लोगों को। ये जो दोस्तों हम पार्टियां करते हैं, इस पार्टी करने का दोस्तों एक हमारा उद्देश्य ये भी है ताकि एक कम्युनिटी बिल्डिंग हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो
कि हम लोग अपने जो हमारे इवेंट्स हैं, हमारे बर्थडेज हैं, हमारे फंक्शंस हैं, वो हम अपने ब्लड रिलेशन को छोड़कर अपने हिंदू समाज के साथ हम उसको सेलिब्रेट करें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है, हम चाहते हैं तभी हम इन बच्चों को इधर साथ में रखते हैं ताकि इनके अंदर में कम्युनिटी फीलिंग आए, कम्युनिटी डेवलपमेंट आए और इन बच्चों को लगे कि नहीं, सारा समाज हमारा अपना, हमारे भाई बहन, हमारे ब्लड रिलेटिव्स ही नहीं बाकी सब लोग, सारा हिंदू समाज हमारा अपना है। ये लो बेटा पकड़ो। इसलिए हम दोस्तों ये इवेंट्स करते हैं। आई होप कि यू आर लाइकिंग द वे वी आर डूइंग दिस इवेंट्स। और ये इवेंट्स करने से दोस्तों एक चीज ये भी है कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी फील हैप्पी। ये लो, वी फील हैप्पी क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं दोस्तों, ये हमारी अपनी बच्चियां हैं और ये चीज इन्होंने मिस आउट करी है जब ये पाकिस्तान में थे या इनके पेरेंट्स जब पाकिस्तान में थे। तो इनको ये फील देने के लिए इंडिया में कि यहाँ पर हम कैसे अपनी लाइफ मजे से सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए हम ये फंक्शंस करते हैं। तो आई होप यू आर लाइकिंग द वे वी आर डूइंग दिस वर्क। अभी हम ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड ये जो चीजें बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं पीछे, दोस्तों सारे बच्चे देखो पीछे जो वेट कर रहे हैं बच्चे हमारे साथ में, इन सारे बच्चों को हम अभी ये खिलाने वाले हैं। तो यू स्टे ट्यून्ड, अभी हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन नाउ। दोस्तों मेरे साथ चांदनी है, चांदनी इज गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग, चलो गाओ आप। ओ हीर मेरी तू हस्ती रे, तेरा लाडला बन में जीत रवा, मरता था जिस मुखड़े पे उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्यों फिकर तुझे, तेरी आंख से दरिया बहता था, तू कहती थी तेरा चांद हूँ और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में ले रहा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया इसने। दोस्तों अभी डुएट सॉन्ग गाएंगे, चलो गाओ। तेरी चांद के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी दुआ से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, ये अर्श दीवाने की जब उसने सुहानी देखी, जिगर में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे शान के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा परिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहाँ सहानी देखी, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। वेरी गुड, क्लैपिंग करो सारे लोग, सारे लोग क्लैपिंग करो, बहुत अच्छा गाया इसने। दोस्तों वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अभी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं, चलो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कराओ, चलो शुरू करो, आराम आराम, शाबाश, जुड़े ले। क्या बोलोगे आप, अपना काम आपका चालू हो गया, पहले आपकी शिकायत रहती थी मेरे को रेडी दिलाओ, अब आपको रेडी मिल गई, बेड आपके इसका बेड नहीं थे, बेड मिल गई आपको, अब आपको सामान मिल गया कब बेचने का, अब आप जब बेचने जा शुरू करा, अब बेचने का अभी नहीं करा, अभी नहीं किया, कब से जाओगे? ये कल से बच्चा लगाएगा रेडी। अच्छा, आपका बेटा लगाएगा रेडी है? मेरे को तो दिक्कत है, आपको मालूम है। इनको दोस्तों मेडिकल कंडीशन है। और तुम जो ये बेचोगे, कैसे बेचो, कहाँ जाओगे बेचने के लिए? मजनू टोला बेचने जाओगे, सड़क पर मेन, रिंग रोड पर। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर आप रिंग रोड से पास करें तो इस लड़के को पहचाने, ये मुकेश है, इसके पास दोस्तों ये कप्स, ये जो कप की रेडी है, ये अभी ये लगाएगा, ये कप्स बेचेगा, ये अभी सारा माल बंद पड़ा है पूरा, यहाँ पर भी है। तो ये बच्चा जो है ये हमारा
कप्स बेचेगा। तो अगर आप दिल्ली के, खासतौर से दिल्ली के जो लोग हैं, इसको देखोगे तो प्लीज़ स्टॉप बाय, इससे कुछ आप परचेज करें ताकि इसकी इकोनॉमी चले। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों में एम्पावरमेंट की जो फीलिंग आए, खुद से पैसे कमाने का जो इनका सिस्टम है वो शुरू होना चाहिए। ये बच्चा छोटा है अभी, लेकिन मैं फादर को सपोर्ट करेगा क्योंकि यही फादर और बेटा ही है इस फैमिली में। और प्लीज़ सपोर्ट अस, आप घर में कप्स चाय की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के लिए दूध के लिए कप्स चाहिए होते हैं, तो प्लीज़ परचेज सम कप्स फ्रॉम हिम। मजनू टीले में रहोगे तो जब तुमसे कोई पूछेगा ना, बोलना मैं HSF ने दिलाया और मेरे से खरीद कर जाओ, ठीक है? लोग आएंगे आपके पास में, ठीक है ना? लोग फोन करते हैं हमें, फिर आप उनको ज्यादा रेट तो नहीं लगाओगे? नहीं नहीं, उसको कम लगा देंगे। अच्छा रेट लगाओगे ना, ठीक है दोस्तों, प्लीज कीप सपोर्टिंग देम। दिस इज द एक्चुअल गोल ऑफ वो ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ये लोग एम्पावर हो और अपने पैर पे खड़े हों। तो कीप सपोर्टिंग देम, थैंक यू। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, आई एम गोइंग टू शो दिस टू यू। बबलू भैया थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। क्या मिला आपको नाना? आपको क्या मिला? क्या मिला है आपको? क्या मिला है मतलब? केक, चॉकलेट, जूस। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? केक। अच्छा लगता है आपको? वेरी गुड बबलू भैया, थैंक यू। आपका हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बबलू। ऐसी रोज पार्टी होती रहे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊं, इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं, ऐसी रोज पार्टी होती रहे, थैंक यू। दोस्तों आई होप यू आर लाइकिंग द वे दिस वर्क इज हैपनिंग। देखो सारे लोग चले गए, केक शेक सब खत्म हो गया, हमें मिला भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू HSF, कीप सपोर्टिंग अस। द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट एनी ऑफ यूर नियर एंड डियर वंस या लव्ड वंस का बर्थडे या कोई पार्टी सेलिब्रेट करना चाहो, यू कैन सेलिब्रेट विद दिस फैमिली। दिस इज द होल सोल पर्पज ऑफ अरेंजिंग दीज सेलिब्रेशन, ताकि सारा हिंदू समाज अपने घर से निकल कर ये कम्युनिटी बिल्डिंग करे। दिस इज व्हाट वी वांट अवर मैरिजेस, जो हमारे हिंदुओं की शादियां होती हैं, तो हम अपने समाज के साथ बनाएं। सुख दुख जो हमारे घरों में होता है, तब वो हम अपने समाज के साथ बांटें। जब यह सेलिब्रेशन हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे, सुख दुख अपने 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 आसपास के समाज के साथ बांटेंगे, तो हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानने लग जाएंगे, हर वक्त एक दूसरे के लिए अवेलेबल होंगे, एक दूसरे को काम आने लग जाएंगे। जब एक दूसरे के काम आएंगे, देन इस हमारे हिंदू समाज को विल नॉट नीड ऑर्गेनाइजेशन लाइक अस, लेकिन हम खुद ही हिंदू सम्मान फाउंडेशन का जो उद्देश्य है, ये हमारा समाज उसी दिशा में विकसित होता जाएगा कि हम सारे इकट्ठे आएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।